इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वुहान लैब से वायरस लीक की थ्योरी पर सबसे बड़ा सबूत, और पहली बार लैब से जिंदा चमगादड़ों का वीडियो सामने आया। वुहान लैब में चमगादड़ पर लगातार चल रहे थे एक्सपेरिमेंट, WHO की रिपोर्ट में वुहान लैब के चमगादड़ों का जिक्र नहीं। की सबसे बड़ी खबर, वुहान लैब से वायरस लीक का सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। यकीन मानिए, आज सुबह से इस खबर को आप देख रहे हैं, लेकिन अब आपके सामने जो डिटेलिंग हम लेकर आ रहे हैं, जरा सोचिए क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में 2019 में वुहान लैब की हाई सिक्योरिटी जोन्स के सीधे मोबाइल फोन्स बंद हो गए, वो भी 4-5 दिनों तक। क्या आप यह बात जानते हैं कि वुहान लैब लीक की जो थ्योरी है, सितंबर 2019 में सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए। सारी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह बेस की खबर देखिए आप, यह सबसे बड़ी खबर है। वुहान लैब से वायरस लीक की थ्योरी पर सबसे बड़ा सबूत, पहली बार लैब में रखे जिंदा चमगादड़ों का वीडियो सामने आया है, यह बड़ी खबर। वुहान लैब में जिंदा चमगादड़ों पर लगातार चल रहे थे एक्सपेरिमेंट, देखें आप। ऑस्ट्रेलियाई चैनल स्काई न्यूज ने जारी किया वीडियो, WHO की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वुहान लैब के चमगादड़ों का नहीं था जिक्र। डॉक्टर पीटर डिजैग ने भी कहा था लैब में कभी नहीं लाए गए चमगादड़, मैं सीधे चलूंगा रोहित, हमारे सहयोगी अमेरिका से जुड़ चुके हैं, रोहित के पास हम जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही आपके सामने बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएंगे, लैब के शॉट्स हैं, और आपको बताना चाहेंगे वुहान का जो वायरस है वो हॉर्स शू बैट जो है उससे मिलता है। मैं सीधे चलूंगा ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। रोहित, जो भी अभी तक WHO की थ्योरी थी, जो भी थ्योरी डॉक्टर फाउची की थी, जो भी थ्योरी डॉक्टर पीटर डिजैग की थी, वो फुस हो गई है इस एक्सपोजर के बाद। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे निशान बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स पहले लग रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वुहान से ये वायरस आया है, लेकिन जिस तरह का कवर अप अब सामने आ रहा है स्पेशली पीटर डिजैग को लेके, जिस तरह की चीजें उन्होंने कही और उनकी जिस तरह की एंटेंगलमेंट निकल के सामने आ रही है, उनकी फंडिंग जिसने वुहान में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को एक तरह से फंड किया है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारी परतें जो है इसमें उभर के बाहर आ रही है। और स्पेशली जब जो बाइडन ये खुद कह रहे थे कल G7 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चाहते हैं कि चाइना से जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो मिल जाए, चाइना से जो डेटा है उसमें जो भी दिक्कत आ रही है अगर वो हट जाए तो शायद हम इसके निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि ये वायरस कहां से निकला है। लेकिन इट इज रियली शॉकिंग कि पिछले एक साल से जो डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो जो कह रहे थे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था मेन स्ट्रीम मीडिया ने, वर्ल्ड ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन अब वही लोग इस बात पे क्वेश्चन लगा रहे हैं कि वायरस एक्चुअली कहां से ओरिजिन हुआ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।